हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसा सेरेलेक, एक ऐसा फूड बता रही हूँ जो 6 महीने से बड़े बच्चों को दिया जाता है और इसमें बहुत सारा कैल्शियम है, आयरन है। जिन भी बच्चों को ये खिलाया जाएगा उनको इन फ्यूचर कभी भी आयरन की कमी बॉडी में नहीं हो सकती, खून की कमी कभी नहीं हो सकती। इसके अलावा इसमें जो मिठास है वो नेचुरल मिठास है, हम चीनी डालकर मिठास इसमें नहीं कर रहे। इसे बनाना कैसे है हम जानते हैं। इसमें यूज किया जा रहा है आपको रवा, इसके अलावा डेट यानी खजूर और आलमंड, और इसमें मिल्क यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बनाना कैसे इसको। सबसे फर्स्ट हमने क्या करना है, इसको क्रश करना है इन चीजों को, क्योंकि मैं यहाँ जर्मनी में हूँ तो इसीलिए डेट का यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। तो इंडिया में भी पड़ती है सर्दी, पर एटलीस्ट फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो इसको आप ऐसे क्रश कर लीजिए, क्योंकि बच्चा है वो बहुत, थोड़ी सी भी मोटी रह गई तो वो बच्चे कुछ इरिटेट फील करते हैं, इसीलिए आपको इसको बहुत अच्छे से क्रश कर लेना है। जब ये अच्छे से ऐसे कद्दूकस हो जाता है, क्रश हो जाता है, कम्प्लीटली क्रश हो जाता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अलग कर लेना है। मैंने इस टाइप से इसको कर लिया, जो यहाँ जर्मनी में डेट्स मिलती हैं इसमें वो सिड नहीं होता, इसके बीच में ऐसे ही होती है ये, तो इसको मैंने ऐसे क्रश कर लिया। अब ये पूरी तरह से निकल चुका है इसका, अब देखेंगे कि मैं निकाल के बता रही हूँ आपको। इसका नीचे वाला जो पार्ट्स है वो कुछ इस तरह से आया है। ओके, इसको आपने निकाल लिया, उसके बाद आपने इस आलमंड को भी क्रश करना है। आलमंड को भी इजीली क्रश कर लीजिए, अगर आप समर है तो उसको आप जो गीले आलमंड होते हैं भिगोए हुए उनको भी यूज कर सकते हैं। इनफ है एक आलमंड, और हम इतना क्रश कर नहीं पाते तो हाफ आप और कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, इतना हो गया तो इसके बाद आपने, ये क्वांटिटी काफी हो जाती है। ओके, इसको अब हम कुक करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसे कुक हमने करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मिल्क लेना है। मिल्क आपने कितना लेना है, मैंने यहाँ हाफ स्पून सूजी ली है सिर्फ, और आपको मिल्क जो ये बहुत फूलती है इसलिए जो दूध ले रहे हैं इतना। ओके, मतलब हाफ कप दूध इसमें लग जाएगा, और डेट डाल रहे हैं इसलिए इसमें वो जरूरत नहीं होती चीनी डालने की, और मैंने इसमें दूध डाल दिया। इसके बाद इसको हल्का सा बॉयल होने देते हैं। जब दूध हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद हिला दीजिए ताकि उसके लम्स नहीं बन जाए। उसके बाद ये जो डेट हमने क्रश करी थी और आलमंड क्रश करा था वो भी इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हिलाना है, हिलाते हुए इसको यानी चलाते हुए आपने इसको पकाना है। एक तो मैं तो ज़्यादा हिला रही हूँ, सच में बताऊँ तो ये इंडक्शन होते हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, हमारे इंडिया में तो गैस यूज़ होता है तो ये नीचे बहुत जल्दी लग जाते हैं, और वैसे भी दूध वाली चीज़ नीचे ज़्यादा लगती है, इसलिए आप हिलाते रहें 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पकने में 1 मिनट लगता है बस। अब देखेंगे कि ये पक रहा है। ओके, तैयार हो रहा है ये, और इसको बॉईल होने के लिए रखते हैं 1 सेकंड के लिए। जस्ट 1 सेकंड रखेंगे तो आपको बॉईल होता दिख रहा है, ये ऊपर आ रहा है ये बॉईल होकर, ये बॉईल हो गया। इसमें बहुत आयरन है, इसमें बहुत कैल्शियम है, इस सबसे बड़ी बात इसमें मिठास की जरूरत नहीं है। जो भी लोग अपने बच्चों के लिए इस चीज को तैयार करेंगे ना, मैं ये बात सच बता रही हूँ, एक तो उनको बच्चों को टेस्टी बहुत लगेगा। अब इसको फ्लेम को बंद कर देना है, और फ्लेम से भी साइड में कर देना ताकि उसकी हीट भी नहीं मिले, काफी हो गया ये। एक तो इसमें आयरन बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है, और इसमें न्यूट्रिशन बहुत है, ये किसी भी तरीके से बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं है। खीर रेडी है जो कि फुल न्यूट्रिशन और कैल्शियम से भरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।